हेलो कायनातीस, हमारी जमीन जो है वो आज से 4.5 अरब साल या 4.5 बिलियन साल पहले बनी थी, और उसके बनने के फौरन बाद काफी सारी चीजें उससे आकर टकराती रही थी, जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स वगैरह हैं। मगर उसके बनने के कुछ ही 100 मिलियन साल के बाद हमारी जमीन के ऊपर जिंदगी मौजूद थी। तो हमारी जमीन जो है वो बगैर जिंदगी के, यानी कि एक लाइफलेस सैयारे से जिंदगी तक कैसे बदली, ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, ये एक मुश्किल सवाल है और बहुत अहम सवाल है। इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो उसके ऊपर भी हैं जब एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो दूसरे सैयारों के ऊपर जिंदगी की तलाश करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो ओरिजिन्स के सवाल हैं, ये जो चीजों की इब्तिदा के सवाल हैं, उसमें साइंस के हिसाब से वो हम नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस तलाश करते हैं। इसमें जरा मौजज़े या मिरेकल्स उसकी बात कम से कम साइंस के हिसाब से वो हम उसमें नहीं लेकर आते। अब मिसाल के तौर पे आज से कुछ 100 साल पहले तक ख्याल ये था कि हमारे अपने सूरज और जमीन की जो इब्तिदा का सवाल है कि वो कैसे बना, वो साइंस जवाब ही नहीं दे सकती। मगर आज हमारे पास बहुत एस्टैब्लिश थियोरीज मौजूद हैं कि हमारा सूरज और हमारी जमीन जो है वो कैसे बनी थी आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले। फिर इसी तरह इसी चैनल के ऊपर आपने शायद कुछ वीडियोस देखे हों, बल्कि इससे पिछला वीडियो जो था वो एक कायनाती गपशप थी जो इसके ऊपर थी कि कायनात में सबसे पहले कहकशाएं जो हैं वो कैसे बनी। तो आपने उसमें भी देखा होगा कि जिस तरह से साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इस सवाल को अप्रोच करते हैं, वो एक लिहाज से नेचुरल एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं कि किस तरह पहली कहकशाएं बनी होंगी। और इस सिलसिले में जो है आप ये पिछले जो गपशप है वो आप चेकआउट करें। लेकिन ये जो जिंदगी की इब्तिदा का सवाल है वो अब से कुछ 100 साल पहले तक भी ख्याल था कि इसका तो कोई मसला ही नहीं। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि जिंदगी जो है वो स्पॉन्टेनियसली, यानी कि अचानक से वो नमूदार हो जाती है। ये किस वजह से ख्याल था? दरअसल एक मिसाल इसकी इस तरह से है कि अगर आप गोश्त जो है वो अगर आप बाहर छोड़ दें तो उसमें कुछ ही घंटों के बाद या एक आध दिन में आपको उसके अंदर कीड़े, या जिसको मैगेट्स कहते हैं, या मेरा ख्याल उसको सुंदरी कहते हैं उर्दू में, वो नमूदार हो जाते हैं। तो लोगों का ख्याल था कि ये देखें, ये तो बड़ी अच्छी मिसाल है कि जिंदगी जो है वो स्पॉन्टेनियसली, अचानक से, बगैर किसी वजह के वो उसके अंदर नमूदार हो जाती है। तो उस लिहाज से अगर आप सोचें कि हमारी जिंदगी की इब्तिदा किस तरह से हुई, वो उसी तरह से नमूदार हो गई होगी। लेकिन ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो 18वीं सदी में भी हुए, और उसके बाद जो मशहूर हैं लुई पेस्टोर, वो जो दूध की भी बात होती है, जो पेस्चराइज्ड मिल्क है या पेस्चराइजेशन होती है, उसने 19वीं सेंचुरी में एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये किया कि उसने इस तरह से ये जो गोश्त की चीज़ें हैं वो उसने सील कर दी, और फिर उसको उसने स्टेरलाइज किया, यानी कि गर्म करके कि अगर उसमें कोई जरासीम मौजूद हैं तो वो एवेपोरेट हो जाए, और उसके बाद उसको उसने सील किया ताकि बाहर से कोई चीज उसके अंदर ना जाए। और पता यह चला कि अगर आप स्टेरलाइज कर लें और फिर उसको सील कर लें तो फिर जिंदगी उसमें अचानक से नमूदार नहीं होती। तो पेस्टोर का जो आइडिया था वो ये था कि हमारे जो ये हवा है उसके अंदर शायद कोई सीड्स हो या कुछ इस किस्म की चीज हो जो उसके अंदर जिंदगी को लेके आते हैं या कीड़ों को लेकर आते हैं, लेकिन अगर आप उसको सील कर दें तो वो पैदा नहीं होते। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो जबरदस्त है, बाय द वे ये जो पेस्टोर की ये जो फ्लास्क है जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो आज भी पेरिस में मौजूद है। लेकिन
इसकी वजह से एक और मुश्किल पैदा हो गई। अब सवाल यह हुआ, तो फिर जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? तो इसके सिलसिले में आज बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं क्लेरिफिकेशन भी दे दूं और क्वालिफिकेशन भी दे दूं कि मैं बायोलॉजिस्ट नहीं, मैं एस्ट्रोनॉमर हूं। और मेरा इसमें जो इसमें दिलचस्पी है वो इसी वजह से है कि ये जो सवाल है वो अहमियत रखता है जब एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो दूसरे सैयारों पर जिंदगी की तलाश करते हैं। तो इस सिलसिले में हम इससे बात करेंगे यहां पे। अब हमें मालूम है कि हमारी जो जमीन है वो आज से तकरीबन 4.5 अरब या 4.5 बिलियन साल पहले बनी थी, और सबसे पुरानी जिंदगी की जो हमारे पास जिसका सबूत मौजूद है वो तकरीबन 3.48 या 3.48 बिलियन साल पहले है। ये फॉसिलाइज्ड स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी जो है वो 4.5 अरब और 3.48 अरब साल के बीच में शुरू हुई थी, बल्कि जो जमीन के बिल्कुल शुरू का जो अरसा है उसमें काफी कुछ बम्बार्डमेंट भी हो रही थी, क्योंकि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह आकर टकरा रहे थे, और एक बड़ी सारी एक बॉडी जिसको थेया का नाम दिया गया है वो भी आकर जमीन के ऊपर शुरू में टकराई, जिसकी वजह से हमारा चांद बना। और ख्याल ये है कि जमीन के ऊपर जो पहले समुंदर थे वो 4.3 या 4.3 बिलियन साल पहले थे। तो एक लिहाज से हम जो ये लिमिट है, ये जो टाइम की कि जिंदगी कब शुरू हुई, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। तो ख्याल ये है कि 4.3 बिलियन साल से 3.5 बिलियन साल के दरमियान में पहली जिंदगी शुरू हुई। अब इससे पहले कि हम ओरिजिन्स ऑफ लाइफ, ये जिसको बायोजेनेसिस भी कहते हैं, हम उसकी बात करें, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है कि हम जिंदगी को किस तरह से डिफाइन करें। और ये दरअसल काफी मुश्किल सवाल है। मैं आपको एक किताब रेकमेंड करना चाहता हूं, ये रॉबर्ट हेजन की किताब है, इसका नाम है जेनेसिस द साइंटिफिक क्वेस्ट फॉर लाइफ्स ओरिजिन्स। इसमें ओरिजिन्स ऑफ लाइफ और ये जो जिंदगी की डेफिनेशन का सवाल है इसमें भी इसकी काफी डिस्कशन मौजूद है। तो रॉबर्ट हेजन जो है वो उसकी बात करते हैं कि अर्ली 1990s में नासा ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी एस्ट्रोबायोलॉजी की, जिसमें ये सवाल कि जिंदगी को किस तरह से डिफाइन करता है वो डिस्कस हुआ। अब नासा का इसमें क्यों इंटरेस्ट है कि अगर आप किसी दूसरे सैयारे पर जिंदगी तलाश कर रहे हैं तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि आप जिंदगी को किस तरीके से डिफाइन करें। और यह बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं। मिसाल के तौर पर वायरसेस जो हैं क्या वो जिंदगी हैं या नहीं, क्योंकि उनको होस्ट सिस्टम की जरूरत होती है। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि जिंदगी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है तो म्यूल या खच्चर जो होते हैं वो आप उनको जिंदगी में काउंट करें या ना करें। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी चैलेंजिंग किस्म का सवाल है। तो रॉबर्ट हेजन ने जिक्र किया कि ये जो 1990s की एस्ट्रोबायोलॉजी की वर्कशॉप थी उसमें जो एक डेफिनेशन जिस पे ज्यादातर लोगों ने एग्री किया वो ये थी कि लाइफ इज अ सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल सिस्टम केपेबल ऑफ अंडरगोइंग डार्विनियन एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एक तो यह है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, और दूसरा पार्ट यह है कि जो भी लाइफ फॉर्म है उसमें केपेबिलिटी है इवॉल्व करने की। अब वैसे मैं एक आध चीजें कह दूं कि बहुत सारे लोग जो है वो जरा नाराज से हो जाते हैं डार्विन के नाम से या एवोल्यूशन के नाम से। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, डार्विनियन एवोल्यूशन का जो सिर्फ मेन जो उसकी डेफिनेशन है वो एक लिहाज से ये है कि आपके पास चीजें जो हैं वो बदलती हैं, इसको वेरिएशन का पार्ट कहते हैं, और ये अक्सर जो हैं वो रैंडम चेंजेस होती हैं। और दूसरा पार्ट एवोल्यूशन का है सिलेक्शन का, क्योंकि ज्यादातर जो चेंजेस हैं वो मुफीद नहीं होती, वो फायदेमंद नहीं होती, या कम से कम उसका कोई जो है कभी कभार नुकसान भी होता है। लेकिन अगर कोई मुफीद चीज हो बहुत सारी रैंडम चीजों में से तो उसकी सिलेक्शन जो है वो इस एवोल्यूशन के मैकेनिज्म से होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वेरिएशन और दूसरी चीज है सिलेक्शन, ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है
जिंदगी की चेंजेस को बदलने में। और एक लिहाज से जब हम जमीन के ऊपर भी बात करते हैं तो जिंदगी जो है वो तो बिल्कुल सिंपल से शुरू हुई थी, लेकिन अगर आप उसको टाइम दें और ये डार्विनियन एवोल्यूशन के प्रिंसिपल दें तो उससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की लाइफ फॉर्म्स भी डेवलप हो सकती हैं। जमीन पर हम केमिस्ट्री से बायोलॉजी तक कैसे पहुंचे? अब इस सिलसिले में ज्यादातर लोग जो हैं वो अग्री करते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मिसाल के तौर पे ख्याल ये है कि जिंदगी के लिए जो है जो की एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, ख्याल ये है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने काफी अहम हिस्सा अदा किया जिंदगी के शुरू होने में। और खास तौर से ये जो कार्बन एटम है ये बहुत जरूरी है और ख्याल ये है कि ये जिंदगी के लिए सेंट्रल है। और उसकी वजह यह है कि कार्बन एटम जो है वो और एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्ड्स बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ वगैरह वगैरह। तो ख्याल ये है कि अगर हम जिंदगी की ओरिजिन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कार्बन जो है वो एक सेंट्रल रोल वो उसमें इस्तेमाल होगा उसका। दूसरी चीज ये है कि आपका वहां पर पानी का होना, ख्याल ये है कि पानी एक ऐसा मीडियम है जो कि जरा बेहतर है चीजों के मिक्सिंग के लिए, वो अलाउ करता है मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स को मिक्स होने का। अगर आपके पास गैसेस हों तो गैसेस में पानी गैसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो गैसेस हैं उसमें मॉलिक्यूल जरा दूर दूर होते हैं थोड़ा और तेजी से मूव कर रहे होते हैं कि जब वो एक दूसरे से टकराते भी हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और अगर सॉलिड हो तो जैसा कि आप सोच सकते हैं कि उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ज्यादा घूमने की गुंजाइश नहीं तो उनका मिलाप जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो पानी एक ऐसा मीडियम है, ख्याल ये है कि वो एक जरूरी है जब हम जिंदगी की शुरुआत की बात करें। और फिर एनर्जी, अब एनर्जी जो है वो सूरज से भी आती है, तो सतह के ऊपर अगर हम बात करें तो सूरज की गर्मी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अब साइंसदानों का ख्याल ये है कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो समुद्र के नीचे जो जियोथर्मल वेंट्स हैं ये वहां से भी आपकी एनर्जी जो है वो आ सकती है। और शायद कुछ लोगों का ख्याल है जैसे रॉबर्ट हेजन का कि शायद जिंदगी शुरू ही ये जो समुद्र के नीचे जो वेंट्स हैं ये हाइड्रोथर्मल वहां पर हुई हो। और आखिरी चीज आपको चाहिए टाइम, वक्त, कि अगर इस किस्म के आपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस करने हैं तो उसके लिए आपके पास बे इंतहा टाइम हो। और जमीन के शुरू में बे इंतहा टाइम था क्योंकि कई सौ मिलियन साल तक जो है वहां पर हमारे पास इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो है जमीन की सतह के ऊपर वो होते रहे। तो ठीक है, अब ये तमाम जो रॉ मटेरियल्स हैं जिस चीज से जिंदगी बनी और जिस चीज की जरूरत है जिंदगी के लिए वो तो हमें पता चला कि वो तो बहुत आम है, लेकिन फिर जिंदगी किस तरह से शुरू हुई? आइए जरा इसकी बात करते हैं जरा इस गपशप के अगले हिस्से में।